ये लो चाय। अच्छा सुनो, तुमने आज सभा को स्कूल छोड़ने नहीं जाना था क्या? जाना तो था, मगर उसने बताया ही नहीं कि आज जाना है या नहीं। उसे नहीं बताया तो तुम फोन करके पता कर लो। मैं तो नुशाबा को फोन कर करके थक गया हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। ये फोन किस मरज की दवा है, क्यों रखा है उसने? अब मुझसे क्यों झगड़ रही, उससे पूछो जिसने रखा हुआ है, आखिर तुम्हारी बेटी है। अच्छा तुम चले जाओ उनकी तरफ, कहाँ जाना है, घर ही होंगी वो। ठीक है चला जाता हूँ, चाय तो पी लूँ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। जमाल अपने घर से कुछ दूर रहने वाली अपनी बेटी के फोन आने पर अपनी नवासी को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करता था, क्योंकि उसका वालिद और जमाल का दामाद गुज़िश्ता 2 साल से रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था। लेकिन उस रोज ना ही उसकी बेटी का फोन आया और ना ही नवासी ने स्कूल जाने के बारे में उसे कुछ बताया। जमाल ने अपनी बीवी के कहने पर घर जाकर देखने का इरादा किया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहां का तो मंजर ही कुछ और था। सभा ने स्कूल नहीं जाना भाई। नुशाबा जमाल कुरैशी, मैं इधर आया था जी अपनी बेटी के घर, इधर आकर देखा तो दोनों की लाशें पड़ी है जी, सब कुछ लूट कर ले गए, जालिम मेरे बच्चियों को भी मार गए जी। बेटा फोन आया मकसूद का? जी अबू फोन आया था, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहता है फिर? किस बारे में अबू? बेटा पाकिस्तान आने के बारे में, और किस बारे में? अम्मी कहते तो हैं कि आना है, मगर बताते नहीं कि कब, इसीलिए तंग आकर मैंने कहना ही छोड़ दिया है। कहो तो बेटा, मैं बात करूं उससे, बच्ची बड़ी हो गई है, ख्याल करना चाहिए उसे। नानो अब मेरा भी दिल नहीं लगता पापा के बगैर, आप ही बुलवाए उन्हें, हमारे कहने से तो नहीं आते। बेटा मैं तो कहता हूँ कि घर किराए पे चढ़ाकर हमारी तरफ ही आ जाओ। लेकिन अबू बाद में किराएदारों को निकालेगा कौन? बेटा पर इस तरह अकेले रहना भी तो ठीक नहीं है, 100 दोस्त 100 दुश्मन। हमारी किसी से क्या दुश्मनी होनी है अम्मी, हम अपने घर में रहते हैं, अपना खाते हैं, ना तो किसी की सुनते हैं ना कहते हैं। फिर भी बेटा जवान औरत का बच्चे के साथ घर में अकेले रहना महफूज नहीं है। अच्छा बेटा घर किराए पे नहीं देना, ना दो ताला लगा दो, फिर तो कोई कब्जा नहीं करेगा ना। नानो ठीक कह रही है, इनके घर ही चले चलते हैं अम्मी।
तुम तो चुप करके बैठो। नौशाबा के वालिद और सबा के नाना ने पुलिस के आने पर उन्हें बताया कि डकैती के दौरान इन दोनों का कत्ल हो गया है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और नौशाबा के वालिद की दरखास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी दौरान घर में मोहल्ले के बहुत से अफराद जमा होना शुरू हो चुके थे। अच्छा जमाल साहब, हम जरा कमरे का जायजा ले ले, फिर देखते हैं। हैरत की बात है आंटी, नौशाबा के घर जरा सा भी खटका होता था तो मुझे आवाज आती थी, पर रात को कोई आवाज ही नहीं आई। तुम्हारे साथ वाले घर डकैती की वारदात हो गई है बेटा, और तुम्हें आवाज तक नहीं आई। यही तो कह रही आंटी, समझ नहीं आती सब कुछ कैसे हुआ। सच्ची बात है, कोई आवाज नहीं आई रात को। आखिर डाकू कहीं से तो अंदर आया है ना, एक बंदे का काम नहीं है, दो चार बंदे तो होंगे ना। अल्लाह जाने दरवाजे से आए हैं, दीवार पे लांग के आए हैं, या किसी मोहल्लेदार की छत से आए हैं। पुलिस का काम है, वही देखेगी, पकड़ा तो जाएगा जो कोई भी है, बचेगा नहीं वो। कहा था नौशाबा से मैंने, कहा था कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी बात मान जाती तो आज जान से ना जाती। मकसूद को फोन किया कि नहीं? अभी नहीं किया, ऐसे प्रदेश में वो परेशान हो जाएगा, और वैसे भी उसने कौन सा पहुंच जाना है। पहुंचे ना पहुंचे बता तो दो, बाद में सारी बात हमारे पे आ जाएगी, कहेगा फौरन क्यों नहीं बताया। सर हो सकता है कि मुंजम इसे अपने साथ लेके आए हों वारदात में इस्तेमाल के लिए। पुलिस के सामने डाकुओं की छत से आने वाली बात ना कीजिएगा। क्यों क्यों ना बताओ। उधर देखो यार, अच्छी तरह शायद कुछ ही है। सही डब्बा मिला। लो। लगता है सर केमिकल इससे मकतूला के चेहरे पे फेंका गया। लेकिन इस केमिकल का घर में क्या काम, ये तो शूज बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का काम करने वाले इससे फार्मिका जोड़ने का काम भी लेते हैं सर। वो सब तो ठीक है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ भाई। सर हो सकता है कि मुलजम इसे अपने साथ लेके आए हों वारदात में इस्तेमाल के लिए। लेकिन कोई आम आदमी इस केमिकल को इस्तेमाल करने के बारे में सोच नहीं सकता जब तक कोई इससे मुतल्लिक ना। क्या कहता है मकसूद, आएगा कि नहीं आएगा? कह रहा है कि छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगा, अब उसकी मर्जी, पहले भी तो नहीं आया 3 साल से। तुम लोग क्यों खड़े हो, तमाशा देखने के लिए खड़े हो? जाओ अपने घर। आंटी एक बात बोलूं आपको? हाँ बेटा बोलो। पुलिस के सामने डाकुओं की छत से आने वाली बात ना कीजिएगा। क्यों क्यों ना बताओ। इसलिए कि मैं घर में अकेली होती हूँ और पुलिस खामखा मुझे इस केस में घसीट लेगी। तुम अकेली क्यों हो बेटा? अंकल मेरे मियाँ इधर नहीं होते, वो मुल्क से बाहर गया है मैं पिछले महीने से। देखो बेटा, पुलिस जिससे चाहेगी तफ्तीश करेगी। पुलिस ने इस केस में अभी तक किसी भी मोहल्लेदार को शामिल तफ्तीश नहीं किया था। फिर पड़ोस में रहने वाली सायका को आखिर किस बात का डर था?
वो क्यों डरी हुई थी कि पुलिस उसे कहीं इस केस में शामिल तफ्तीश ना कर ले। दूसरी जानिब पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो उसे ऐसी बहुत सी चीजें मिली जिससे पुलिस को ये यकीन था कि उन्हें इस केस की तफ्तीश में मदद जरूर मिलेगी। आखिर वो चीजें क्या थी? सर ये सिम मिली। इसका पता करवाओ ये किसके नाम पे। अगर मरने वाली के नाम पे है तो इसका डेटा भी निकलवाना है। ओके सर। और हाँ, अभी किसी से इसका तस्करा नहीं करना, ठीक है? और सिकंदर को फोन करके पता करो कि पोस्टमार्टम हो गया डेड बॉडीज का या नहीं। ओके सर। और मुकम्मल करने के बाद तुम भी बाहर आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा आप ये बताएं जमाल साहब, जब आप घर पर आए थे तो दरवाजा खुला था या बंद था? खुला था जी। सोचने की बात है, अगर बंद होता तो मैं अंदर कैसे आता जी? इंस्पेक्टर साहब, वो लोग जब सामान लेकर गए हैं तो दरवाजे से ही गए होंगे ना? दरवाजे से तो नहीं आए होंगे ना जी, क्योंकि दरवाजा तो सलामत था जी। तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, पुलिस का काम है पूछगिछ करना। पूछगिछ करनी है ना तो मोहल्लेदारों से करें, जिनको मालूम था कि नौशाबा इस घर में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। अकेली तो मैं भी रहती हूँ, मेरे घर में भी कोई मर्द नहीं है। क्यों, आपके घर के मर्द कहाँ चले गए? आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। इसका शौहर भी एक महीने से बाहर गया हुआ है। इसके घर की छत इस घर के साथ मिलती है। इस घर में किसी का आना जाना तो नहीं था? कोई अजीज रिश्तेदार, कोई बाहर का बंदा वगैरह? आता तो था नौशाबा का कजन इकबाल, पहले तो रोज ही आता था, आज अभी तक नहीं आया। नौशाबा के जिस कजन का सायका ने पुलिस से जान छुड़वाने के लिए जिक्र किया था, वो कौन है, कहां रहता है और क्या करता है? पुलिस ने उससे मुतालिक तमाम मालूमात घर वालों से हासिल कर ली, लेकिन उन मालूमात को सामने रखते हुए पुलिस अभी तक उस पर कोई भी शक का इजहार नहीं कर सकी थी। दूसरी जानिब पुलिस इंस्पेक्टर जिस इब्तदाई मालूमात तक पहुंचा था, उसको सामने रखते हुए ये सुराग मिला था कि डाकू घर में दरवाजे से दाखिल हुए थे। हाँ अनवर, सिकंदर से पूछा पोस्टमार्टम का? जी सर, पोस्टमार्टम हो गया, इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई है। क्या कहती है इब्तदाई रिपोर्ट? सर रिपोर्ट के मुताबिक दोनों का गला दबा के कत्ल किया गया है, तकरीबन 5 मिनट बाद मौत वाकया हुई। अच्छा जी, हमें अब इजाजत दे, आप तीनों को अगर जरूरत पड़ी तो थाने आना पड़ेगा, फिलहाल घर को ताला लगाना है। आ जाए आप। हाँ भाई, वो गया नहीं अपनी कजन की तरफ? पता तो करते, क्या हुआ? चला जाऊंगा, तुझे किस बात की फिक्र हो रही है? अभी तो उसके माँ बाप बेचारे परेशान हो रहे होंगे। वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, यही वक्त होता है जख्मों पे मरहम रखने का, तुझे जाना चाहिए था। चला जाऊंगा अभी, जो होना था वो तो हो गया, जान थी वो मेरी, तू तो जानता ही है। वो याद तो बहुत आती होगी तुझे, अब दुनिया में जो नहीं रही बेचारी। हाँ यार, ज्यादती होगी उसके साथ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा आखिरी मुलाकात हुई तो क्या कहा उसने? दिल की बातें तो हुई होंगी ना? हाँ, बड़ी बातें की थी उसने। आ जाता हूँ, जल्दी है क्या? हाँ ना, तुम जल्दी से आ जाओ। मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा। सुबह किधर है? सुबह इधर ही है। अच्छा उसे तो सुला दो, वैसे ही कह रहा हूँ, सुबह स्कूल नहीं जाना उसने? हाँ जाना है। चलो छोड़ो इस बात को, हर वक्त गुस्सा नहीं करते, माफी दे दो मुझे। हाँ बस मैं अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो।
फिर घर में क्या बातें हुई? यार कोई प्राइवेट बात भी होती है, सब बातें बताने वाली नहीं होती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ज्यादा बकबक ना कर, मुझे मुंह खुलवाना आता है तेरा। अबे जा, जाके अपनी फुफ्फो के जख्मों पे मरहम रख, याद कर रही होगी तुझे। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तू बड़ा सियाना बनने की कोशिश कर रहा है। कमरे से मिलने वाली सिम का पुलिस ने जब मोबाइल नंबर मालूम किया तो पता चला वो सिम नौशाबा की है। इसका मतलब ये हुआ कि डाकू नौशाबा की सिम निकालने के बाद उसका सेट साथ ले गए थे। ये बात मालूम होने के बाद पुलिस ने कॉल डेटा निकलवाया, जिसके जरिए ये मालूम हुआ कि कत्ल वाली रात और उससे पहले नौशाबा का इस नंबर से एक नंबर पर मुसलसल राबता था। आखिर वो नंबर किसका था? दोनों सिम्स नौशाबा के नाम पे थी, एक तो उसके पास थी, दूसरी किसके पास थी? सर सिम अब दोबारा कोई और इशू नहीं करवा सकता, इसका मतलब है कि सिम नौशाबा ने ही किसी और को दी थी। वो सिम अब तक चल रही है या बंद है? सर चेक करता हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से इंस्टाग्राम। सर बंद। तुम ऐसा करो, दोनों सिम्स का पता करो कि वो किन सेट्स में चल रही है। जी सर। और हाँ, तुमने डेड बॉडी वाकिन के हवाले कर दी थी या नहीं? जी सर कर दी थी, और रात उनको दफना दिया गया। ठीक है, अब तुम जाओ, जो तुम्हें कहा है वो पता करो। ओके सर। दोनों के घरों से होकर आ रहा हूँ, ताला लगा हुआ था। तो इधर कैसे आ गए हो? मोहल्लेदारों ने बताया कब्रिस्तान गए होंगे, इसीलिए इधर आया हूँ। बेटा तुम्हारा तो रोज का आना जाना था इसके पास, कहीं तुमने तो किसी से कोई बात नहीं की। कैसी बात कर रही हैं आप? भला मैं किसी से क्यों बात करूँगा? खुदा गलत करे, सामान लेना था ले जाते, मेरी बच्चियों को तो ना मारते। पुलिस क्या कहती है? तफ्तीश कर रही है, उसने क्या कहना है? आ जाओ जमान, आ जाओ, नहीं तो मेरा सीना फट जाएगा, फट जाएगा मेरा सीना। पुलिस ने जब तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया तो उनके सामने कुछ ऐसे इंकशाफात आए जो इंतहाई हैरान कुन थे। नौशाबा का एक मोबाइल नंबर तो वो खुद इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसका दूसरा मोबाइल नंबर उसी का कजन इकबाल इस्तेमाल कर रहा था। कत्ल की रात से उसने इस मोबाइल सिम का इस्तेमाल तर्क कर दिया था, मगर दूसरी जानिब नौशाबा का मोबाइल फोन वो कौन इस्तेमाल कर रहा था और वो उस तक कैसे पहुंचा? नौशाबा के नाम की सिम उसका कजन क्यों इस्तेमाल कर रहा था? सर लगता है कि वो दोनों कजन तो थे, मगर कोई और भी चक्कर है। उस दिन उस कार में खड़ी मोहल्लेदार खातून ने उसके बारे में बताया भी था, लेकिन हमने गौर नहीं किया। पूछगछ करनी है ना तो मोहल्लेदारों से करें, जिनको मालूम था कि नौशाबा इस घर में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। अकेली तो मैं भी रहती हूँ, मेरे घर में भी कोई मर्द नहीं है। क्यों, आपके घर के मर्द कहाँ चले गए? आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। इसका शौहर भी एक महीने से बाहर गया हुआ है। इसके घर की छत इस घर के साथ मिलती है। इस घर में किसी का आना जाना तो नहीं था? कोई अजीज रिश्तेदार, कोई बाहर का बंदा वगैरह? आता तो था नौशाबा का कजन इकबाल, पहले तो रोज ही आता था, आज अभी तक नहीं आया। पता करो कि इकबाल उस दिन क्यों नहीं आया, हालांकि आगे पीछे तो वो रोज आता था उसके घर। और दूसरा ये पता करवाना है कि नौशाबा का मोबाइल फोन जो इस्तेमाल कर रहा है वो बंदा कौन है?
पुलिस ने इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए एक तरफ तो इकबाल नामी नौशाबा के कजन के किरदार को मशकूक जानते हुए लाहौर के तमाम थानों से उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया ताकि ये जाना जा सके कि क्या उस पर किसी और थाने में कोई मुकदमा तो नहीं, क्या वो कोई आदि मुजरिम तो नहीं। और दूसरी जानिब पुलिस ने उसकी तमाम हरकत और सकनात को अपने नोटिस में रखते हुए उस पर नजर रखने का फैसला भी कर लिया। किसका फोन आना था? मकसूद का, और किसका? सर कहानी का सिरा हाथ आ गया, बस पकड़ने की जरूरत है। क्या देख लिया है, किसको पकड़ने की जरूरत है? कोई फोन आया? किसका फोन आना था? मकसूद का, और किसका? कोई फोन नहीं आया, मुझे तो लगता है उसे कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? क्यों दिलचस्पी नहीं है? उसकी बीवी और बेटी नहीं थी वो? अगर होते तो वो वापस ना आ जाता। एक मरतबा फोन पर तफसीलात पूछी, बस खत्म। तुम दोबारा फोन करके पूछो तो सही मकसूद से। सच्ची बात है, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। हाँ अगर उसका फोन आ गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके घर को भी ताला लगा हुआ है, उससे पूछो तो सही कि क्या करना है घर का। और जब तक पुलिस ताला नहीं खोलेगी हम क्या कर सकते हैं? जब ताला खुलेगा तब देखा जाएगा। ये इकबाल भी उस रोज के बाद वापस नहीं आया, उसका तो पता करो कि ये भी नहीं कर सकते। तुम्हारा भतीजा है, फोन करके पता कर लो। ये लो फोन दो। बन जा रहा है मनुष का फोन। सर। हाँ अनवर बैठो। सर कहानी का सिरा हाथ आ गया, बस पकड़ने की जरूरत है। क्या देख लिया है, किसको पकड़ने की जरूरत है? सर इकबाल का एक दोस्त है इफ्तिखार, उसका फर्नीचर का काम है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि ये दोनों कत्ल उन दोनों ने किए? सर मतलब नहीं बल्कि हकीकत है और ऐसा ही हुआ। ना तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतने पक्के हो गए हो भाई? सर वो दोनों दोस्त उसी केमिकल का नशा करते हैं जो नौशाबा के मुंह पे डाला गया था। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दोनों दुकान में बैठ के यही कुछ कर रहे थे। तुम ऐसा करो, फौरी तौर पर रेड की तैयारी करो, अभी उनको पकड़ना है फौरी तौर पर। जी सर। पुलिस मोबाइल कोड के जरिए नौशाबा का फोन इस्तेमाल करने वाले शख्स के करीब पहुंच चुकी थी। इस फोन में जो सिम इस्तेमाल की गई थी वो इफ्तिखार नामी शख्स को इशू की गई थी। अब देखने वाली बात यह थी कि इकबाल ने नौशाबा की सिम बंद क्यों की और इफ्तिखार नामी शख्स जो ये मोबाइल सेट इस्तेमाल कर रहा था कहीं वो इसी का दोस्त तो नहीं था। We'll be right back.
देखो किसका फोन है, मकसूद का ना हो सौदिया से। ये किसका नंबर है? हेलो जी, कौन? जमाल साहब, इंस्पेक्टर राणा रियाज बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, हुक्म। आपकी बेटी और नवासी के दोनों कातिल हमने गिरफ्तार कर लिए। अच्छा जी, कहाँ से पकड़े इंस्पेक्टर साहब? कहे तो मैं थाने आ जाऊं। जी बस पकड़ लिए हैं। आप ऐसा करें, शाम तक आ जाएं, तब तक हम तफ्तीश भी मुकम्मल कर लेंगे। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, कातिल पकड़े गए? कौन है वो? अभी कुछ पता नहीं, इंस्पेक्टर ने भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि दो मुलजिम पकड़े हैं। थाने जाऊंगा तो पता चलेगा कि कौन लोग हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची के कातिल पकड़े गए। बोलो, क्यों मारा तुमने अपनी कजन को? और फोन की सिम भी उसी के नाम की इस्तेमाल कर रहे हो? उसने लेके दी थी साहब। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मारा क्यों है उसको और उसकी बेटी को? कोई मार का चक्कर था या कोई दूसरा चक्कर था? वो मेरे साथ थी साहब जी, उसका मियां बाहर गया हुआ था, मेरा बड़ा ख्याल करती थी। तुम्हारा बड़ा ख्याल करती थी, इसलिए मार दिया मां बेटी को? इसलिए नहीं मारा साहब जी, मैं तो बड़ा प्यार करता था उससे, मगर उसने धोखा किया मेरे साथ। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा बड़ा ख्याल करती थी, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। सीधी तरह बताओ, क्या धोखा किया तुम्हारे साथ उसने? एक दिन मैं घर गया था, उधर से एक बंदा उसके घर से बाहर निकल रहा था। उस रोज जब इकबाल ने नौशाबा के घर से एक आदमी को निकलते हुए देखा, तो उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि नौशाबा का ताल्लुक सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि उसके घर में और भी मर्दों का आना जाना है। बस इसी बात को दिल में बिठाते हुए रकाबत में इकबाल ने नौशाबा से बात करने का फैसला किया। नौशाबा, जो अपने घर में आजाद और खुद मुख्तार थी, उसने इस इल्जाम को मानने से साफ इनकार कर दिया। कौन था वो जिसे अभी घर से बाहर निकाला है? इलेक्ट्रिशियन था, वॉशिंग मशीन ठीक करने आया था। झूठ मत बोल मेरे से। क्या बकवास है ये, तुझे शक है कोई? शक नहीं है, खुद अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या बकवास कर रहा है तू, क्या देखा है तूने? देख, इस टोन में बात ना कर मेरे से, वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। दिमाग तेरा क्या खराब होगा, दिमाग तो मेरा खराब हो रहा है, चल दफा हो जाए इधर से। आग लगी ना मेरी बात से, इसका मतलब है वो मशीन ठीक करने नहीं आया था। इकबाल, ये
शाबा, ये अच्छा नहीं किया तूने। दूसरों की खातिर मुझे जलील किया तूने। तू चाहता है इधर से कि मैं पुलिस को कॉल करूं? जा रहा हूं, ये अच्छा नहीं किया तूने। बस साहब जी, वो बात मेरे दिल से निकली नहीं। एक हफ्ते बाद माफी मांगकर फिर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया था। और वो जो दोनों के चेहरे पर केमिकल डाला था, वो किसने कहा था? नहीं साहब जी, इसने लगाया था मुझे नशे पर। झूठ बोलता है साहब जी, मेरी दोस्ती से पहले ये खुद नशा करता था और उल्टा इसने मुझे नशे पे लगाया है। उस दिन तुम मकतूला के घर दोनों इकट्ठे गए थे या अलग अलग गए थे? नहीं सर, ये पहले गया था, मुझे इसने बाद में बुलाया था और मैं तो दुकान पर था उस वक्त जब इसका फोन आया है। इसका मतलब है तुम उस दिन पूरा प्रोग्राम बना के गए थे। वो अंधी थी कि तुमने आराम से उसके मुंह पर केमिकल डाल दिया। वो पहले भी उसका नशा मेरे साथ कर लेती थी, उस दिन मैंने कहा तो वो नहीं मानी। सुबह सो गई? हाँ सो गई। इधर आ बैठ जा। आती लगाएगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा सुरूर ले ले। कहा ना, मेरा दिल नहीं है और मेरा सर पे चकरा रहा है। मेरी खातिर लगा ले। हाँ बाद वो बेहोश हो गई और उसी वक्त कमरे में उसकी बेटी आ गई थी। मैंने उसका भी गला दबा दिया क्योंकि उसने मुझे देख लिया था सर। और वो सामान लूटकर डकैती का रंग देने का, वो किसने कहा था? ये भी इसी ने कहा था साहब जी। इसके खिलाफ 2-3 थानों में पहले भी डकैती के पर्चे हैं। इन दोनों की अच्छी तरह तो लड़ाई करो। मां बेटी के कत्ल और डकैती की इस अंधी वारदात को पुलिस ने बिलाखिर ट्रेस कर ही लिया। मुल्जमान के नाम FIR में दर्ज करके चालान अदालत भेज दिया गया। अब अदालत उन्हें क्या और कब सजा देती है, ये मौजिज अदालत का काम है। मगर एक बात आप जरूर सोचिएगा, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? इस केस के पीछे गुनाह क्या इकबाल की रकाबत की वजह से था, नौशाबा की हठधर्मी या फिर इफ्तखार की लालच की वजह से? असल गुनहगार कौन है सोचिएगा जरूर। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, खामोश हरगिज ना रहें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/gunahgar-kaun। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।